आप देश के किसी भी नेशनल हाईवे पर चले जाइए, आपको हर तरफ मजदूर पैदल चलते हुए अपने घर की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ना उन्हें खाने की फिक्र है, ना किसी और की, बस उन्हें अपने घर जाना है। कोई ट्रक का सहारे है तो कोई किसी और साधन के सहारे। आप बिल्कुल भी छत पे ना बैठा के चलिए, कोई भी एक सिंगल सवारी छत पे नहीं। अब औरैया दुर्घटना के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिख रहे हैं और जिला प्रशासन अब इन गरीबों का हाल लेने को मजबूर है। बसें यहाँ के खड़ी है, बस से लोग जाएंगे, जिनको जहाँ जाना है उस गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति ट्रकों के छत पर नहीं बैठ के जाएंगे। उनके लिए खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। कानपुर जिला प्रशासन द्वारा 500 से ज्यादा बसों की व्यवस्था की गई है गरीब मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये बसें भी नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लखनऊ का बॉर्डर बंद होने के बाद तो कानपुर में कई लाख मजदूर इकट्ठा हो गए हैं। ऐसे में कानपुर प्रशासन के सामने भी उन्हें उनके घर तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। ट्रकों में प्रवासी आगे से ही बैठ के आ रहे हैं और कुछ रास्ते आगे बंद कर दिए जा रहे हैं उन्नाव में, इसलिए वो वहां से लौट के आ जा रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था हमें करनी पड़ रही है। अब देखना होगा कानपुर जिला प्रशासन इन गरीब मजदूरों के साथ कितना इंसाफ कर पाता है।